आज का ये एपिसोड सिर्फ उन साइंसदानों को समर्पित है जिन्होंने पीएचडी हासिल करने के लिए साइंस से ज्यादा गाइड की सेवा की। एक्सक्यूज मी सर। हाँ भाई। सर मैंने पीएचडी की थीसिस कंप्लीट कर ली है। अच्छा, लेकिन सबमिट कराने से पहले एक बार फाइनली आपको दिखाना चाहता था। आप रूम में कब मिलेंगे सर? आप घर ही आ जाए मेरे, आपको मेरे नए घर का पता तो मालूम ही है। एड्रेस तो मालूम है, लेकिन अगर आप थोड़ा लोकेशन समझा देते तो मैं घर आ जाऊंगा सर, नो प्रॉब्लम। आपने यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी देखी है? यस सर। लाइब्रेरी के आगे स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल से दाएं मुड़ के बाएं मुड़ जाना, सामने एक पीला मकान है, सीढ़ियां चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे आ जाना, ऊपर दाएं दरवाजे के बाएं हाथ एक घंटी लगी हुई है, अपनी कुनी से यूं घंटी बजा देना, समझ आए? सर लोकेशन तो सारी समझ आ गई, लेकिन ये यूं करके घंटी बजाना समझ नहीं आया सर। भाई आप अपना थीसिस लेके अपने गाइड के घर पहली बार आ रहे हो, एक हाथ में आपके गिफ्ट्स होंगे, दूसरे हाथ में मिठाई के डब्बे होंगे, तो घंटी तो यूं ही बजेगी ना। सर अगर हम इसमें पहले ये डाल के और उसके बाद सर अगर ये डाल दें तो। यही दिखाने के लिए मुझे बुलाकर लाए थे? आई एम सॉरी सर, सर मेरे ख्याल मुझे सोडियम नहीं डालना चाहिए था सर। मुझे समझ नहीं आती तुमने एमएससी कैसे पास कर ली, क्या सोचकर तुम पीएचडी कर रहे हो? सर मैं तो यही सोच के पीएचडी कर रहा था कि अगर आप कर सकते हैं फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। शर्म नहीं आती, अपने गाइड से मुकाबला करते हो? नहीं सर, मुकाबला कौन कर रहा है, मैं तो गाइडेंस ले रहा था सर। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है विनोद, पीएचडी के लिए लगन, निष्ठा और कड़ी मेहनत की जरूरत है। सर आपको तो पता है मैं रोज सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ अलार्म लगाकर। क्यों भाई, अब तो दूध ठीक है ना, कोई शिकायत तो नहीं प्रोफेसर साहब को? नहीं नहीं, अब तो दूध बिल्कुल ठीक है, नहीं तो पहले दूध इतना पतला था कि बिल्ली भी दूध पीने से इनकार कर देती थी। सर पहले दूध वाला हेराफेरी कर जाता था, लेकिन अब मैं अपने सामने दूध डलवा के लाता हूँ सर। वेरी गुड, वैसे अब तो आपकी दूध वाले से अच्छी जान पहचान हो गई होगी। सर अब तो मेरी भैंस से भी जान पहचान होगी, मुझे देख के पूंछ हिलाने लग जाती है सर। देखिए डायरेक्ट जान पहचान का तो मुकाबला ही नहीं। सर अगर कोई सब्जी वगैरह मंगवानी हो तो मैं मंडी हूँ। हाँ मेरे ख्याल आलू खत्म हो रहे हैं, वो जरा अपनी आंटी से पूछ लो। खबरदार मुझे आंटी कहा तो। भाभी वो मंडी में आलू बहुत अच्छे आए हुए थे, अगर आप कहें तो मैं 10 किलो इकट्ठे ले आऊं। ठीक है, अगर अच्छे हैं तो फिर 15 किलो मंगा लो। सुनो भाई, पहले 250 ग्राम देख रहा हूँ, अगर अच्छे हुए तो 250 ग्राम और मंगवा लेंगे। ठीक है सर। सर आप डिपार्टमेंट कितने बजे तक आ जाएंगे, मुझे थीसिस के बारे में कुछ डिस्कस करना था। नहीं मेरे ख्याल आज मैं डिपार्टमेंट नहीं आ पाऊंगा, मैंने अपनी कार की सर्विसिंग वगैरह करवाने जाना, तुम ऐसे करना लाइब्रेरी चले जाना, वहाँ पुराने जर्नल्स वगैरह देख लेना। 57-58 में प्रोफेसर शेखर ने भी इस सब्जेक्ट पे काफी काम किया, कुछ पेपर्स वगैरह भी पब्लिश हुए हैं। सर उन्हें कहाँ तक सफलता मिली सर? वो तो खैर सुसाइड कर गया था। सुसाइड सर? यार ये सब्जेक्ट ही ऐसा। सर हम ये सब्जेक्ट बदल ही ना लें? नहीं नहीं, तुम लाइब्रेरी जाकर पेपर तो ढूंढो, चलो। राइट सर। हाय विनोद। हेलो गीता, हाउ यू? अरे वाह, खूब मेहनत हो रही है, लगता है लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ दोगे। भैया पीएचडी के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। वो तो है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो रिसर्च तुम कर रहे हो पता चले 100 साल पहले भी किसी साइंटिस्ट ने की थी। तुम सुनाओ तुम्हारा थीसिस कहाँ पहुँचा? भाई हमारा क्या है, पीएचडी हो गई तो भी ठीक है, वरना ना सही। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत ही क्या है, तुम्हारा फिक्र तो डॉक्टर भट्टी खुद करते हैं, किताबें भी तो खुद ढूंढ के लाते हैं तुम्हारे लिए लाइब्रेरी से। कल मुझे पता क्या कहते? क्या? गीता तुम्हारा हेयर स्टाइल पता नहीं कौन सी फिल्म की हीरोइन से मिलता है। और तू खुश हो गई होगी? बेस में नाराज होने की क्या बात है? हाँ जी, पीएचडी भी तो पूरी करनी है। चल कैंटीन में चाय पी कर आते हैं। नहीं भाई आज नहीं, आज मुझे डॉक्टर भट्टी से बहुत जरूरी काम है। वो आज नहीं आने वाले, उन्होंने तो अपनी कार की सर्विसिंग करवाने जाना था। उफ़, इसका मतलब आज का दिन भी वेस्ट किया। चलो फिर चलकर कैंटीन में चाय ही पीते हैं। चलो। तुम्हें लाइब्रेरी में और काम तो नहीं? नहीं नहीं, मुझे तो एक मशहूर प्रोफेसर का पुराना लिटरेचर चाहिए था, फिर कभी ढूंढ लूंगा। प्रोफेसर साहब आप अपनी कार बेच ही दी। अच्छा, कोई ग्राहक है? ग्राहक तो फिर पटाना पड़ेगा ना, क्योंकि रोज रोज सुबह स्टार्टिंग ट्रबल। नहीं सुबह तो कोई स्टार्टिंग ट्रबल नहीं होती, मेरे पास 15-20 स्टूडेंट्स आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, ट्यूशन पढ़ने? नहीं नहीं, धक्का लगाने। तो फिर ऐसा प्रोफेसर ढूंढते हैं जिसके पास शाम को भी स्टूडेंट्स आते हो।
ठीक है मिस्त्री जी, आप फिर नजर रखना। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तो कहता हूँ कि अगर 3000 में बिक जाए, कम से कम आप एक अच्छा सेकंड हैंड स्कूटर तो ले सकते हैं। क्या आप बात कर रहे हैं मिस्त्री जी, अगर मैं इसे तुड़वा कर लोहे के भाव भी बेचूं, 4000 तो फिर भी मिल जाएगा। आखिर गाड़ी है, छत है, 4 पहिए हैं, 1000 रुपए पर पहिए तो मिलना ही चाहिए ना। 4000 में कौन खरीदेगा प्रोफेसर साहब? खरीदेगा कैसे नहीं। सर आप कौन सी कार की बात कर रहे हैं? अपनी कार की। अरुण बेटे तुम मेरी कार में कभी बैठे नहीं? सर अंदर से तो नहीं बैठा, लेकिन बाहर से कई बार धक्का जरूर लगाया है। वो कार मैं दरअसल बेच देना चाहता हूँ। हाँ सर, वो कार तो आप बेच ही देनी चाहिए, उससे कई स्टूडेंट का टाइम और एनर्जी दोनों बच जाएंगे सर। ठीक है, फिर ये असाइनमेंट मैं तुम्हें देता हूँ। कौन सी असाइनमेंट सर? यही कार बेचने वाली। आई नो इट्स ए चैलेंजिंग जॉब, बट आई थिंक यू कैन डू इट। सर मैं कोशिश करूंगा। वैसे आपकी कार कितने की बेचना चाहती है? 4000 तो मिलने चाहिए। 4000? 4000 रुपए? डैडी मैं कार खरीदना चाहता हूँ। पीएचडी तुम्हारी कंप्लीट नहीं हो रही और कार खरीदनी है। डैडी जब तक मैं कार नहीं खरीदूंगा मेरी पीएचडी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। हाफिज विनोद लाइब्रेरी गए थे? यस सर। क्या नाम बताया था मैंने उस प्रोफेसर का जो पीएचडी करते करते सुसाइड कर गया था? प्रोफेसर शेखर सर। हाँ, उसका लिखा हुआ मिला कुछ लिटरेचर? सर लिटरेचर तो नहीं मिला, उनकी फोटो सर मेरे को मिली एक जगह। फोटो? यस सर। फोटो का क्या करना है? सर मुझे क्या पता सर, गाइड तो आप हैं। ठीक है, फिर आप इस फोटो को बड़ा करवा लें, अपने घर में लटका दें, ऊपर 2 दिन हार भी डाल देना। वो क्यों सर? इससे इसकी आत्मा को शांति मिलेगी और आपको प्रेरणा। प्रेरणा पीएचडी के लिए सर? नहीं, आत्महत्या के लिए। आई एम सॉरी सर। मे कम इन सर? यस कम इन। सर मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ उसे ढूंढने की। सर भाई 3 दिन से तुम प्रोफेसर शेखर का लिखा हुआ पेपर नहीं ढूंढ सके, कब तुम्हारा थीसिस कंप्लीट होगा, कब तुम्हें पीएचडी मिलेगी? सर मुझे एक और रेलेवेंट पेपर मिला है सर, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अब? यस सर। नहीं नहीं, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने अभी फाइनल ईयर का क्वेश्चन पेपर भी तैयार करना। ठीक है सर, फिर मैं चलता हूँ, कल आ जाऊंगा सर। सर मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं गीता, तुम बैठो। नहीं सर आप बिजी हैं, मैं फिर आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक किताब भी निकलवा के रखी है, देखो। थैंक यू सर। अच्छी किताब। आज किसी पार्टी वार्टी में जाना है क्या? क्यों सर? बहुत अच्छा सूट पहना है, बहुत खिल रही हो इसमें। सर आप तो मजाक कर रहे हैं। ऐसे एक बात माननी पड़ेगी, यू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ड्रेसिंग अप। एक बात पूछूं सर? हाँ क्यों नहीं। सर आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज्ड? लव मैरिज की तो बस तमन्ना ही रह गई। क्यों सर, किसी लड़की ने धोखा दे दिया? भाई धोखा तो तब देती अगर किसी से इश्क होता, किसी से इश्क ही नहीं हुआ। वेरी सैड सर। और जब अंत में कोई अल्टरनेटिव नहीं रहा तो फिर अरेंज मैरिज करनी पड़ी। सर अभी अभी आपकी बीवी का फोन आया था, उन्होंने मैसेज दिया कि आते हुए 2 किलो घी और 2 झाड़ू लेते आना। ठीक है ठीक है, जाओ, सारा माहौल खराब कर दिया। तुम भी जाओ गीता बेटे, माहौल तो खराब हो ही गया, चलो चले चले बस। प्रीति तुम्हें कितनी बार कहा कि ये घी और झाड़ू वाले मैसेज मेरे डिपार्टमेंट मत दिया करो, अच्छा नहीं लगता। मम्मी की चिट्ठी है, मम्मी और स्वीटी अगले हफ्ते इंडिया आ रहे हैं। एक तो पोस्ट ऑफिस वाले ऐसी चिट्ठियां कभी नहीं घुमाते। क्या मतलब? मेरा मतलब अच्छा हो गया हमें टाइम पे चिट्ठी मिल गई, कम से कम हम उन्हें एयरपोर्ट पे रिसीव तो कर लेंगे। एक और खुशखबरी है। क्या? स्वीटी को डिवोर्स मिल गया। एक तो तुम्हारी फैमिली की खुशखबरियां बड़ी अजीब होती है। मेरी बहन की अपने हस्बैंड से बिल्कुल नहीं पटती थी, बेचारी बहुत तंग थी, छुटकारा मिल गया, ये खुशखबरी नहीं तो और क्या है। मैं तो ऐसी खुशखबरी के लिए सारी जिंदगी तरसता रह जाऊंगा। फिलहाल तुम्हारी एक जिम्मेदारी है। क्या? मम्मी ने लिखा है कि डॉक्टर साहब से कहना कि स्वीटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ के रखे, हम स्वीटी की शादी जल्दी कराना चाहते हैं। यानी कि बलि का बकरा ढूंढना, भाई ये पाप मेरे सिर क्यों डाल रहे हो। मम्मी ने ये भी लिखा है कि वो लड़का पीएचडी होना चाहिए और वो पीएचडी वाला बकरा, मेरा मतलब है लड़का, सिर्फ आप ढूंढ सकते हैं। मैं? और क्या, अब प्रोफेसर जैन को ही देखिए, उन्होंने अपने स्टूडेंट की पीएचडी तब तक कंप्लीट नहीं होने दी जब तक उस स्टूडेंट ने उनकी लड़की से शादी नहीं कर ली। क्या? नहीं मैं वही सोच रहा हूँ कि मेरे अंडर 3 स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, एक तो वो लड़की है गीता, दूसरा विनोद है जो अपना दूध लेके आता है, और तीसरा मनोज है। ये मनोज कैसा है? वैसे मनोज है तो इंटेलिजेंट और उसका थीसिस भी कंप्लीट होने वाला है। सर ये मेरा थीसिस है,
बिल्कुल कंप्लीट है सर, आप देख लें। वेरी गुड मनोज, बाय द वे तुम्हारी उम्र क्या है? सर 26 साल। एक्सलेंट। जी सर। यार तुमने अपनी शादी के बारे में अभी तक कुछ नहीं सोचा? वो सर PhD कंप्लीट हो जाए फिर शादी करवानी है सर। PhD तो तुम्हारी कंप्लीट हो ही जाएगी, तुम इंटेलिजेंट भी हो, हार्ड वर्किंग भी हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ऐसा है कि मेरी वाइफ की एक सिस्टर है। जी सर। वो लोग वैसे तो इंग्लैंड रहते हैं, आजकल इंडिया आए हुए हैं, वो देख लो शायद पसंद आ जाए। वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है सर। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरी तो कल ही मंगनी हुई सर। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। क्या मतलब सर? मेरा मतलब तुमने मुझे बताया ही नहीं। सर वो सब इतनी जल्दी में हुआ कि मैं सर कुछ। ठीक है फिर अपना थीसिस रख जाओ, मैं देख लूंगा, आप जाएं। हाय प्रीति। मम्मी आप लोगों ने इतनी देर क्यों लगा दी? भाई पूरा एक घंटा इंतजार करके आए हैं एयरपोर्ट पे, तुम लोग रिसीव करने ही नहीं आए। लेकिन डॉक्टर साहब को तो घर से गए 2 घंटे हो गए, मिले नहीं आपको? कहीं वो अपनी पुरानी कार में तो नहीं गए? तुम्हें कैसे पता चला उस कार के बारे में? लो पापा यहाँ से होके नहीं गए थे पिछली बार जब उनकी फ्लाइट मिस हो गई थी? भाई तुम्हारे पापा ने सब समझा बुझा के भेजा है हमें। इंडिया में 2 चीजों का खास ध्यान रखना, एक तो पानी बॉयल करके पीना और जीजा जी की गाड़ी में नहीं बैठना। बस भाई साहब अब हमसे और धक्का नहीं लगता। यार जवान आदमी हो हिम्मत करो। हमने बहुत बड़ी गलती की जो आपसे लिफ्ट मांग ली। 1 किलोमीटर कार में सफर किया और 3 किलोमीटर आपने धक्का लगवा दिया। भाई साहब अब तो एयरपोर्ट सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया। यार तो अपना सामान उठा, हम पैदल ही चले जाएंगे। यार मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ूंगा, बस थोड़ा सा धक्का और। भाई साहब आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी गाड़ी में लोगों को लिफ्ट देते हुए। चल भाई चल। यार फ्लाइट मिस करा दी यार। ओ भाई यार बात तो। मम्मी आप फिक्र ना करें, जब तक स्वीटी के लिए लड़का नहीं मिल जाता मैं डॉक्टर साहब को चैन की सांस नहीं लेने दूंगी। मुझे अपने खून पे विश्वास है बेटी, तुम्हारे पापा की सांस भी ऑक्सीजन पर नहीं मेरे मूड पर डिपेंड करती है। तो फिक्र ना कर स्वीटी, मैं तेरे लिए लड़कों की लाइन लगवा दूंगी, चुन लेना फिर। अरे आप लोग पहुंच भी गए। हाय जीजा जी। लेकिन आप तो हमें एयरपोर्ट लेने गए थे। हाँ वो गया तो था लेकिन मैं पहुंच नहीं सका, वो कार में कोई फॉल्ट आ गया था। इस बार तो एयरपोर्ट सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया था, उसके बाद कोई धक्का लगाने वाला ही नहीं मिला। तो बेटा तुम वापस कैसे आए? मैं तो लोकल बस से। और गाड़ी? गाड़ी में विनोद को बोला हूँ, वो ले आएगा, आप बैठिए। ये बताइए कि आपका सफर कैसे रहा? एकदम फर्स्ट क्लास जीजा जी, लेकिन आप ये गाड़ी बेच क्यों नहीं देते? मैंने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि अपने एक स्टूडेंट की PhD लटका दी कि बच्चों जब तक तू ये कार नहीं बिकवाएगा तेरी PhD नहीं कम्प्लीट होने दूंगा। अच्छा फिर? वो PhD छोड़ गया। गाड़ी की चाबी। अच्छा गाड़ी ठीक हो गई थी? ये सर मैंने गाड़ी ठीक करवा के गैरेज में पार्क करवा दिया सर। वेरी गुड, चाय वाय पी के जाना, आपकी काफी कैलोरीज वेस्ट हो गई होगी। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लैब में बहुत काम था। चलूंगा सर। ओके एज यू विश। ओके जी। चलो जी कार तो वापस पहुंची। ये लड़का कौन था? ये इनका स्टूडेंट है विनोद, पिछले 2-3 सालों से PhD कर रहा है। PhD? फिर तो काफी इंटेलिजेंट होगा ना जीजा जी? ना ना जस्ट एवरेज। देखने में तो ठीक लगता है, अगर इससे अच्छा लगता है तो बात करवा दे। ना बाबा ना, ये तो पता नहीं कितने साल PhD ही करता रहे। क्यों जीजा जी? तू हाँ तो कर, इसकी PhD 2 महीने में कंप्लीट करवा देंगे। भाई देख लो मुझे तो लड़का पसंद है। अब की बार ऐसे ना बात करना जैसे मनोज से की थी, पहले लड़का लड़की को मिलने का मौका तो दो। हाँ भाई क्या कर रहे हो? सर चाय बना रहा था सर। अच्छा अच्छा फिर ठीक है, मैं भी सोच रहा था तुम्हारे जैसा स्टूडेंट बीकर में और क्या कर्म कर सकता है। सर ऐसी बात नहीं है सर, एक्चुअली मैं अपनी PhD जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता हूँ सर। लेकिन जिस स्पीड से तुम काम कर रहे हो 6 साल तक कुछ नहीं कर सकते। जो रीडिंग्स मैंने लेने के लिए कही थी वो ली? सर वो कैसे लेनी है सर? खैर छोड़ो वो रीडिंग्स मनोज ने मिली हुई है, वही यूज कर लेना, तुम्हारा 6 महीने का काम 6 दिन में कम्प्लीट हो जाएगा। थैंक यू सर। और कुछ किताबें भी मैंने तुम्हारे लिए निकलवा के रखी हुई है, वो भी ले लेना।
थैंक यू वेरी मच सर। और विनोद तुम थोड़ा टाइम निकाल सकते हो? सर टाइम ही टाइम है, आप हुक्म करें सर। मेरी वाइफ की एक सिस्टर है स्वीटी, इंग्लैंड से आई हुई है। यस सर। वो स्कूटर सीखना चाहती है। सर इंग्लैंड से आई है और स्कूटर? बस उसे शौक है, अगर तुम उसे सिखा दो तो उसका शौक पूरा हो जाएगा। लेकिन सर मुझे तो अभी खुद ठीक तरह से स्कूटर चलाना नहीं आता सर, 3 बार चलान हो चुका है सर। फिर जितना भी आता है सिखा दो, ट्राई तो करो, तुम्हें भी आ जाएगा। पहले क्लच दबाओ, अब फर्स्ट गियर डालो, रेस देके, अब छोड़ो छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो। मुझे डर लग रहा है। अरे घबराओ नहीं, मैं पीछे बैठा हूँ, छोड़ो। आप जरा धीरे धीरे क्लच छोड़ा करें ना, रेस देके। कैसे छोड़ा करूं? थरी मैं बताता हूँ। सर आपने जो करेक्शंस कही थी मैंने कर ली है सर, अब तो मेरा थीसिस बिल्कुल कंप्लीट है सर। कंप्लीट तो है, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम पहले भी किसी ने की हुई है। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर, ये तो बिल्कुल ओरिजिनल प्रॉब्लम है सर, ओरिजिनल थीसिस। सर आपके सामने सारा काम खुद मैंने किया सर। नहीं भाई, थोड़ा काम और करो किसी अलग एंगल से, बल्कि हो सके तो अपना टॉपिक ही बदल के देख लो। सर मुझे 3 साल हो गए इस टॉपिक पर रिसर्च करते हुए, अब नए एंगल से नई प्रॉब्लम, सर मैं तो पागल हो जाऊंगा। डोंट लूज हार्ट, रिसर्च में लोग अक्सर पागल हो जाते हैं और फिर ठीक भी हो जाते हैं। अच्छा बिनो, तुम्हें बचपन से ही शौक था कि तुम बड़े होकर केमिस्ट्री में पीएचडी करोगे? अरे कहां, मुझे बचपन में यही नहीं पता था केमिस्ट्री कहते किसे। मैं समझता था अगर हिस्ट्री बहुत पुरानी हो जाए ना तो उसे केमिस्ट्री कहते हैं। देखो जी, अब आप विनोद से सुबह दूध मत मंगवाया करो। क्यों, वो रास्ते में आधा पी लेता है। अच्छा नहीं लगता, कल से आप खुद दूध लेके आया करें और घर के बाकी काम के लिए भी किसी और स्टूडेंट को भेजें। बेचारे विनोद पे पीएचडी का बड़ा भार है। सर मैंने ये एनएमआर और आईआर वैल्यूज ले ली है सर। यार तुम ये बताओ कि तुम्हें स्वीटी कैसी लगी? जी मेरा मतलब है कि स्वीटी तुम्हारी काफी तारीफ कर रही थी। सर वो तो खुद ही बहुत अच्छी है सर, इनकी नेचर इतनी अच्छी लगी कि 1 घंटे में मेरे साथ ऐसे मिक्सअप हो गई जैसे कई साल से मुझे जानते हैं सर। वेरी गुड, फिर तुम ऐसे करो कि ये पकड़ो मनोज का थीसिस और पहले 60 पेज एज इट इज उतारो। लेकिन सर ये काम तो मनोज ने किया है। गाइड तुम हो या मैं? ओके सर। बल्कि बाकी का काम भी अगले हफ्ते घर ले आना, वहीं कंप्लीट कर लेंगे। Thank you. Mommy, sweetie, sweetie. Thank you, pretty. अब और कितनी देर लगेगी आपको थीसिस कंप्लीट करते हुए? बस हो गया, आखिरी लाइन रह गई थी। वो विनोद को बुलाओ, वो साइन तो कर दे। विनोद, just coming. Good morning, Kamila. Yes, sir. लो भी विनोद, थीसिस तो तुम्हारा कंप्लीट है, अपना नाम लिखो और साइन करो। थैंक यू सर। आज हम पूरे विश्व में सर ऊंचा करके कह सकते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी का साइंसदान किसी भी देश के साइंसदान से कम नहीं। हमारी यूनिवर्सिटी का रिसर्च का स्टैंडर्ड अब काफी ऊंचा है। आज से कुछ साल पहले फैसिलिटीज बहुत कम थी, पीएचडी कोई कोई कर पाता था, लेकिन आज हर साल सैकड़ों स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हमारी यूनिवर्सिटी का नालायक से नालायक स्टूडेंट भी
पीएचडी होगा। कांग्रेचुलेशंस विनोद। थैंक यू स्वीटी। बधाई हो विनोद बेटे। शुक्रिया जी। सो यू आर नाउ डॉक्टर, डॉक्टर विनोद। ये सब तो प्रोफेसर साहब की मेहरबानी, इन्होंने दिन रात एक कर दिया मेरे लिए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक गाइड इतना हेल्पफुल भी हो सकता है। भाई अपनी साली के लिए इतना तो करना ही पड़ता है जी। मेरा मतलब अपने स्टूडेंट्स के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना। विनोद आज शाम तुम चाय हमारे साथ पीना, स्वीटी कह रही थी तुम्हारी पीएचडी सेलिब्रेट करेंगे। और बेटा अपने मामी डैडी को भी साथ लाना और सारी बात खुल के हो जाएगी। और विनोद एक बात मैं भी तुमसे खोलना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो तुम घर के ही हो। यस सर। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। प्रॉब्लम यह है कि स्वीटी का एक बार डिवोर्स हो चुका है। लेकिन सर इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है, आजकल तो दिल मिलने चाहिए, फौरन दोबारा शादी हो जाती है। बस यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सर मुझे क्या समझाना, मेरा तो खुद एक बार डिवोर्स हो चुका है। लेकिन चट डिवोर्स पट शादी। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? दो बार मैडम, बल्कि अगर मेरी पीएचडी पूरी ना होती तो इस बार दूसरी बीवी भी मुझे छोड़ के भाग जाती है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया मैडम। और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सर मैंने पीएचडी भी तो पूरी करनी थी। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। बीकर को अगर जार कहो जार कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। करवाते नगर चोरी ये थीसिस तुम कहीं से, करवाते नगर चोरी ये थीसिस तुम कहीं से। पूरी ना होती डिग्री रह जाते ना कहीं के, हम डिग्रियों को आपकी, हम डिग्रियों को आपकी, हम डिग्रियों को आपकी सौगात कहेंगे। बीकर को अगर जार कहो जार कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही